बड़ा बेतुका रिप्लाई जो है बीडीसी चेयरमैन कारा ने दिया कि आजाद साहब के पास गाड़ी भी नहीं है। मैं अपनी बहन को जवाब देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखिए कि आजाद साहब के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा आजाद साहब के पास है। क्यों बेवकूफ बना रही हो मेरी बहन, यहाँ की जनता को क्यों बेवकूफ बना रही हो? डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन कारा से और मेरी बहन फातिमा फारूक का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। उनको पता होना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों से गुलाम नबी आजाद साहब केंद्र की राजनीति में है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, और जो लोग पार्टियां बनाते हैं उनका गठन करते हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास दल बल होता है जिसकी बुनियाद पे वो पार्टियों का गठन करते हैं। बड़ा बेतुका रिप्लाई जो है बीडीसी चेयरमैन कारा ने दिया है कि आजाद साहब के पास गाड़ी भी नहीं है। मैं अपनी बहन को जवाब देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखिए कि आजाद साहब के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा आजाद साहब के पास है। क्यों बेवकूफ बना रही हो मेरी बहन, यहां की जनता को क्यों बेवकूफ बना रही हो? आजाद साहब ने केंद्र में इन 50 वर्षों में मिलाई वाले पदों पर बैठ के इंटरटेन किया है, वो अरबापति शख्सियत है, वही पार्टियों का फ्लैग ले सकते हैं, वही सिंबल ले सकते हैं, वही बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं। तो ये मैं बिल्कुल कंडम करता हूं इस बात को कि आजाद साहब के पास गाड़ी नहीं है। वो एक रिच पर्सनैलिटी है, उनके पास बहुत पैसा है। हाँ, सिर्फ ये है कि जनता के साथ उनका कोई संवाद नहीं है, ना उनका मोबाइल नंबर किसी के पास है। बहन जी, क्या हो गया आपको? मैंने तो आपको 2-3 महीने एक भाजपा की बैठक में आपको देखा, और आज आप आजाद साहब के कसीदे पढ़ रही हैं। कुछ तो इस राजनीति को समझो, इतनी जल्दी आप पलटा मार के आप आजाद साहब की तारीफ कर रही हैं। देखिए, रिसेंटली वहाँ के वो सीनियर लीडर थे पहले कांग्रेस के, फारूक शिकारी जी, मेरे दोस्त भी हैं, उनसे संवाद होता रहता है हमारा अक्सर फ़ोन के माध्यम से। 2-3 महीने पहले मैं भी वहाँ पे मौजूद था, मैंने इनको खुद देखा कि भाजपा की मीटिंग में वहाँ पे वो उपस्थित थे, लेकिन बाद में अचानक देखने को मिला कि हमारे फारूक भाई आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। फारूक साहब, आपको पूरा हक है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, आप पार्टी ज्वाइन करें जो भी आपने ज्वाइन करनी है, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाने से पहले आपको, जिस दल में आप थे पहले कांग्रेस में, आप भाजपा की बैठकों में भी आए, कम से कम खुदारा वहाँ से तो आप रिज़ाइन करते। आपने वहाँ से रिज़ाइन नहीं किया, आपको हमने अचानक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में देखा, तो इससे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन कारणों से आप आज़ाद साहब के साथ शामिल हुए हैं, ये समझने में मैं असफल हूँ। देखिए, अगर कोई कहता है कि आज़ाद साहब के पास अपनी गाड़ी भी नहीं है और वह गरीब हैं, वो बेतुकी बात कर रहा है, इसकी कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी या कोई रेलेवेंट बात नहीं है। 50 वर्ष और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वह आज़ाद परिवार की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। आज़ाद साहब ने तो अपने पॉलिटिकल कैरियर में किसी भी राजनीतिक लीडर को जम्मू कश्मीर से दिल्ली में पनपने नहीं दिया, बनने नहीं दिया, जिसकी ये वजह आज रही कि आज़ाद साहब भी रिटर्न टू पवेलियन वापस आ गए यहाँ पे। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ बनाना जनता को बंद करिए, सच्ची बात करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हर एक राजनीतिक दल के लीडर का, चाहे वो एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, चाहे स्पीकर है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।